तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक जानकारी पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, कई ऐसे क्राइम होते हैं, क्राइम सीन होता है जो उस वक्त जो दिखता है वो आप देखते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है, अरसा गुजरता है, बाद में वो क्राइम सीन कैसा होता है, ये जैसे एक क्राइम के किसी भी स्टोरी की फॉलोअप करते हैं उसी तरह क्राइम सीन भी बड़ा मायने रखता है। आमतौर पे कहते हैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ख़ासतौर पे जो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्राइम सीन में तीन चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, एक ज़मीन, एक दीवार और एक छत, जो कि सारे सबूत आपको यहीं से मिलते हैं, चाहे वो कोई भी क्राइम हो। अगर इन तीन जगहों पर बारीकी से आपने जाँच की तो फिर सबूत आपसे मिस नहीं होगा। जितने अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं वो ख़ासतौर पर इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जब वो किसी क्राइम सीन पर जाएँ तो फर्श, दीवार और छत, इन तीन चीज़ों के बारीकी से वो जांच करें, मुआयना करें। मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि सर सोचिए आप, बुराड़ी में एक कमरे में 11 लोगों की लाश मिली थी, एक कमरे में 11 लाश, वक्त बीतता है, उस कमरे की अब क्या हालत होगी, क्या उस कमरे में कोई सोता होगा, कोई परिवार रहता होगा। तंदूर कांड हुआ था, उस तंदूर में नैना साहनी की लाश को काट कर जलाया गया था मक्खन से, क्या वो तंदूर अब भी है या वो तंदूर को ख़त्म कर दिया गया, अगर नहीं है तो वहाँ पे अब क्या है। निठारी, जिस एक कोठी में 21 या 23 बच्चों को मारा गया, उनमें से कुछ को तो पकाया गया, खाया गया, सुरेंद्र कोहली जो आदमखोर, उस कोठी की हालत क्या है, उस कोठी में कोई रहता है या कोठी बंद है, क्या उसके बाद कभी उस कोठी में कोई गया। आरुषि मर्डर केस, आरुषि का कत्ल या हिमराज का कत्ल जो नोएडा के L18 में फ्लैट में हुआ था, उस फ्लैट में अब कौन रहता है, क्या आरुषि के माँ बाप उस फ्लैट में रहते हैं या उन्होंने छोड़ दिया, बेच दिया गया, कोई और आकर रहता है, और रहता है तो कैसे रहता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जहाँ हुई मुंबई में, उस घर की क्या हालत है, सुशांत किराए पर थे, अब क्या जो मकान मालिक उसने किसी और को किराए पर दे दिया, और वो किस तरीके से अब वहाँ पर रहता, उस कमरे में कैसे सोता जहाँ सुशांत की लाश मिली थी। रंगा बिल्ला ने जब कत्ल किया था दिल्ली के रिज रोड में, वो रिज रोड कैसा दिखता है, उस वक्त का गोल्डा खाना जहाँ से उन दोनों बच्चों को उठाया था, वो गोल्डा खाने का की शक्ल अब क्या है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप जानते हैं, लेकिन उस वक्त क्राइम सीन क्या थी, अब क्या है, यही चीज़ जहन में ताज़ा करने के लिए कि रंगा बिल्ला ने जब वो कत्ल किया था दो भाई बहन का, उस वक्त वहाँ पर क्या सीन था, तंदूर उस वक्त कैसा था, निठारी की कोठी कैसी थी, अब कैसी है, ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें आपके सामने लाने के लिए एक नया सीरीज क्राइम शक पे, एक नई सीरीज जो है क्राइम तक पर, वो इसी सैटरडे और संडे से आ रही है, जिसका नाम है क्राइम सीन रीविजिट। हमारे सहयोगी हैं तंसीम हैदर, उसको लेकर आएंगे, वही उसको लगातार हर सीन का वो मुआयना भी करेंगे, जाएंगे देखेंगे तब मैं सीन में क्या था और अब सीन में क्या है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि देखना चाहिए, एक डिफरेंट चीज़ होगी, तो ज़रूर देखिएगा, उसी तरह अपना प्यार दीजिएगा जैसे आप कहानी को देते हैं। सैटरडे शाम 7 बजे पहला एपिसोड आएगा और संडे नेक्स्ट डे दोपहर 3 बजे दूसरा एपिसोड, मतलब एक वीक में दो नए एपिसोड होंगे, दो क्राइम सीन रिविजिट किया जाएगा, जहां की हर चीज़ न सिर्फ उस सीन को दिखाया जाएगा कि वो सीन पहले कैसा था, वो अब कैसा है क्राइम सीन, और स्टेटस क्या है उस केस का, तो दोनों फ़ायदा होगा, एक तो आपको तब और अब क्राइम सीन भी देखने को मिलेगा, नंबर टू उस केस में अभी तक क्या अपडेट है, एक तरह से फॉलोअप वो भी आपको जानने में मिलेगा। तो तंसीम हैदर लेकर आएंगे सैटरडे शाम 7 बजे और संडे दोपहर 3 बजे, इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है, ज़रूर देखिएगा, अपनी राय दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, और जहाँ जहाँ कमियाँ हों वो भी बताइएगा, क्योंकि फैमिली से ही उम्मीद की जाती है कि सिर्फ तारीफ़ ना करें बल्कि जहाँ पे कमियाँ हैं वो भी बताएं, जैसे आप कहानी में अक्सर हमें बताते हैं, गलतियों की तरफ इशारा करते हैं। तो ये आपको जानकारी देनी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी, दुनिया में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिनके रहस्य से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया, लेकिन इस पूरी दुनिया में एक 3.7 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिसको लेके पिछले करीब 60-65 सालों से तमाम बातें हों कि इस 3.7 किलोमीटर के एरिया में ऐसा क्या है, कौन सा राज दफन है जो किसी आम इंसान को वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता। इतनी सख्ती है कि 24 घंटे 365 दिन वहाँ पे पहरा होता है, बाकायदा बोट लगा हुआ है, कटीले तार और बाड़े हैं वहाँ पे, और आम आदमियों को ये साफ कहा जाता है कि अगर किसी ने घुसने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, बहुत मुमकिन है कि उसको गोली भी मार दी जा सकती है। और इस पूरे एरिया की निगरानी अमेरिकी एयरफोर्स करती है।
और उनके सैनिक करते हैं। एक छोटा सा 3.7 किलोमीटर के एरिया में आखिर ऐसी क्या चीज़ है, क्या राज है जिसकी वजह से इसकी इतनी निगरानी की जा रही है, और पिछले 60-65 सालों में आज तक उसका कोई रहस्य सामने नहीं आया। कहानियाँ बहुत सारी सामने आई। इस जगह का नाम जो है एरिया 51, आप लोगों ने बहुत सारे ने सुना होगा। अब एरिया 51, ये जो 3.7 किलोमीटर है, इसका नाम एरिया 51 क्यों, हालांकि आज तक ये कोई नहीं मतलब समझ पाया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन पूरी दुनिया में जाना जाता है ये एरिया 51 के नाम से। तो आज की कहानी एरिया 51 को लेकर है, जिसमें बहुत सारे आप लोगों ने फरमाइश भी की थी। एरिया 51, अमेरिका में एक जगह है नेवाडा, और नेवाडा के साउथ हिस्से में, पार्ट में, ये एरिया 51 है। एक सूखी झील थी कहते हैं, जिसके ऊपर ये 3.7 किलोमीटर का हिस्सा है, और वहीं पे ये एरिया 51 बना हुआ है। हालांकि इसको नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज भी कहते हैं, मतलब एरिया 51 ज़्यादा मशहूर है, लेकिन नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज ये भी इसका नाम है। अब सवाल ये कि एरिया 51 का नाम क्यों आया, इसकी रहस्य क्या है, और क्यों इसको लेके इतनी बातें होती हैं। तो इसकी अगर मैं शुरुआत से आपको शुरुआत की बात बताऊं, तो सबसे पहले जून 1959 की बात है। जून 1959 में मीडिया में एक पहली बार एक खबर छपती है, और ख़बर ये छपती है कि नेवाडा के इस 3.7 किलोमीटर के ऊपर आसमान में नीली हरी बत्तियां जलती हुई देखी गई, और एक अजीब सी रहस्यमय रोशनी थी, और उड़ते हुए लोगों ने देखा उस रोशनी को। तो पहली बार 1959 जून में ये बात सामने आई, मतलब आज से करीब 81 साल पहले। जब ये लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नेवाडा के आसपास जो रहते हैं, तो उनमें से एक रेनो गैजेट नाम का बल्कि एक अखबार था, इवनिंगर, शाम का अखबार जो होता है, उसने इस खबर को पहली बार छापी किस इस तरीके से नेवाडा के आसमान में रहस्यमय रोशनी देखी गई और एक रहस्यमय प्लेन देखा गया। और इसके बाद धीरे धीरे फिर ये खबर फैली, और बाद में बाकी मीडिया ने भी इसको कवर करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता, और कई लोग दावा करते हैं कि आसमान में अजीब सी वो रात को रोशनी देखते हैं, एक अजीब सा प्लेन देखते हैं, और इसको लेकर चर्चाएँ शुरू हो गई। लेकिन वो क्या था, कैसा था, इस बारे में कोई पुख्ता तौर पर कहने वाला नहीं था। रहस्य बनना कैसे शुरू हुआ, और ये कहानी फिर कैसे शुरू हुई, और इस कहानी को अभी सुनाने का मेरा मतलब भी क्या है, वो ये है कि पिछले साल अमेरिका में एक कैंपेन चला, और इस कैंपेन का नाम था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। ये एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला, और इस कैंपेन का मतलब ये था कि वो अमेरिका के ही लोग ये चाहते थे कि एरिया 51 का रहस्य जाने, और उन लोगों ने तय किया कि इस कैंपेन के थ्रू वो एरिया 51 में दाखिल होंगे, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। देखते ही देखते इस कैंपेन में करीब 15 लाख लोग शामिल हो गए, और उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि ये 2019 को सुबह सुबह 3 बजे एरिया 51 में दाखिल होंगे। कैंपेन से जुड़े हुए 15 लाख लोग हैं, आप सोचिए। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हड़कंप मच गया कि ये क्या है, कैंपेन इतना सक्सेसफुल हो रहा है और लोग एरिया 51 में ज़बरदस्ती घुसने की बात कर रहे हैं। तब एयरफोर्स को दखल देना पड़ा, यूएस एयरफोर्स को, और यूएस एयरफोर्स ने एक चेतावनी जारी की कि अगर यहाँ किसी ने भी घुसने की कोशिश की तो वो उनके लिए बेहद ख़तरनाक साबित होगा। और खैर, इसके बाद किसी तरह से इस कैंपेन को रोका गया। तो ये बात फिर चर्चा में आई। इससे पहले बराक ओबामा ने एक बार इसका जिक्र किया था, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हाँ, एरिया 51 है, लेकिन क्यों है, क्या है, इस बारे में उन्होंने ज़्यादा खुलासा नहीं किया। पहली बार एक PIL दाखिल हुई थी, एक अमेरिकन सिटीज़न ने दाखिल किया था, और उसने पूछा था एरिया 51 के बारे में। तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार 1959 से ये रहस्य चला रहा है, 2013 में CIA ने ये खुलासा किया, पहली बार ऑफिशियली माना कि हाँ, एक एरिया 51 है, लेकिन ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे जो बाकी कहानियाँ चल रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये कि कहानियाँ क्यों चल रही थी, और क्या कहानियाँ थी, और क्यों ये सारी चीज़ें हुई। तो इस कहानी के जड़ में जो है कि शुरुआत जो होती है, जो कहानी बुनी गई थी, वो ये थी, बल्कि बुनी गई थी या सच है या इस पे आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल इलाके में एक UFO के क्रैश होने की खबर आई,
1947 में। UFO आप हम ही सब बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हम हमेशा UFO को एलियन के साथ जोड़ते हैं। तो पहली बात ये कि क्या सही है, अगर UFO को आप फुल फॉर्म की बात करें तो फिर इसका मतलब दूसरा निकल आता है। UFO मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा प्लेन जो आसमान में उड़ा और जिसके बारे में कोई जानकारी न ATC को है, ना उस देश या उस शहर में जो उड़ान भर रहा है उसको है। तो कोई भी ऐसी फ्लाइट, ऐसी उड़ान जो अनआइडेंटिफाइड है उसको UFO कहते हैं। यू फॉर अनआइडेंटिफाइड, एफ फॉर फ्लाइंग, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। लेकिन हमेशा UFO को हम लोगों ने एलियन के साथ जोड़ा। तो पहली बार ये खबर आई कि 1947 में मैक्सिको के रॉसवेल इलाके में एक UFO क्रैश कर गया, और UFO जो क्रैश किया उसमें बैठे बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन जो ख़ास तौर पे ये था कि उसमें ये भी एलियन, लेकिन एक एलियन जिंदा बच गया, और उसी एलियन के ऊपर रिसर्च करने के लिए इस इलाके को चुना गया। और एरिया 51 में दरअसल एलियंस के ऊपर स्टडी और रिसर्च चलता है। ये सबसे पहले खबर आई, और धीरे धीरे यही चीज़ें जब आसमान में नीली हरी रोशनियों की बात आई, उड़ने की चीज़ बात आई, तो यही कहा गया कि वो UFO है जो दूसरे ग्रह से आता है और उसमें एलियंस है। और ऐसा ही एक एलियन इस एरिया 51 में है, जो जब वो UFO क्रैश किया तो उसमें से कुछ की मौत हुई जिनकी डेड बॉडी पर रिसर्च हो रहा था, और एक जिंदा था एलियन जिसको पकड़ा गया, और उसके बाद उसके ऊपर लगातार गुपचुप तरीके से अमेरिका इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। और UFO और एरिया 1 का रिश्ता इस तरीके से एक साथ बन गया कि एरिया 51 दरअसल कुछ नहीं है, ये दूसरे अंतरिक्ष आए एलियंस के एक तरह से रिसर्च सेंटर है। इसको लेके जो कहानियाँ सबसे ज़्यादा जो मजबूत दावे किए गए हैं वो यही थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पेस क्राफ्ट क्रैश कर गया, उसके टुकड़े हुए, और ये भी कहा गया कि हाँ जो UFO था या स्पेस क्राफ्ट था उसके जो मलबे हैं वो मलबा सारा एरिया 51 के ऊपर गिरा था, जो 3.7 किलोमीटर का एरिया है, और इसीलिए इस एरिया को ही पूरा एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया, और यहीं पे ये सारा रिसर्च शुरू हुआ, और आम लोगों के लिए इसमें दाखिल होना वर्जित कर दिया गया, और इस यहाँ पे सारे वैज्ञानिक और बाकी लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ख़ासतौर पर एलियंस टेक्नोलॉजी को लेकर। कुछ का कहना है कि एलियंस का जो स्पेस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, दावा करते हैं कि उसमें एलियन मिले थे और एक जिंदा मिला था। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब लाजर नाम के एक आदमी ने यह दावा किया कि वो एरिया 51 में ऑलरेडी काम कर चुका है 80 के दशक में, और बाकायदा उसने कहा कि वहाँ पे दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियन के ऊपर ही और उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ही जाँच होती है, रिसर्च होता है। और उसने उस वक्त मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई जो एक तरह से एलियन के, एक एलियन जो मुर्दा था उसके पोस्टमार्टम की कुछ तस्वीरें थी, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट की तस्वीरें थी। हालांकि बाद में ये जो रॉबर्ट बॉब लॉजर नाम का शख्स था जिसने दावा किया था कि एरिया 51 में वो काम करता था, उसका ये दावा झूठा निकला, और पता चला कि वो एरिया 51 से कभी जुड़ा ही नहीं था। एक और अफवाह इस एरिया 51 को लेकर जो बहुत ज़ोरों शोर से रही और चलती रही, अभी भी चलती है, वो ये है टाइम ट्रैवल को लेकर, कि दरअसल एरिया 51 में एलियन और बाकी चीज़ों का नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल को लेकर US के जो एक्सपर्ट और साइंटिस्ट हैं वो वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका वक्त से आगे कैसे जा सकते हैं या वक्त से पीछे खुद को कैसे ले जाया जा सकता है, उसका रिसर्च एरिया 51 में हो रहा है। एक तो और भी कुछ चीज़ें आई हैं उसके लेके, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी बातें आई हैं, वो ये है कि नील आर्मस्ट्रांग, नाम आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो चाँद पर जाने वाले पहले शख्स, तो लोग दावा करते हैं कि दरअसल नील आर्मस्ट्रांग कभी चाँद पर उतरे ही नहीं, ना उन्होंने चाँद पर पहला कदम रखा, बल्कि ये एरिया 51 की ही सारी तस्वीरें थी, और यही एरिया 51 में तस्वीर खींच कर अमेरिका ने दुनिया को पूरा ये फैलाया कि उसने चाँद पर भेज दिया है नील आर्मस्ट्रांग को, और उसका अपोलो 11 जो मिशन चाँद पर उतर गया, जो अपोलो 11 ही से लेकर नील आर्मस्ट्रांग को ले जाया गया था चाँद पर। तो एक ये भी है कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चाँद पर नहीं गए, जो तस्वीरें हैं वो एरिया 51 की ही तस्वीरें हैं। तो ऐसी सारी कहानियाँ, सारे दावे लगातार होते रहे। अभी तक अमेरिका एरिया 51 को लेकर शुरू से नकारता रहा था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि CIA ने 2013 में पहली बार ऑफिशियली ये माना कि हाँ अमेरिका में एक इलाका है जिसका नाम है एरिया 51, वो एग्जिस्ट करता है।
तो इससे इन सारी चीज़ों को और भी बल मिला। CIA ने बाकायदा एरिया 51 को लेके जो आधिकारिक बयान दिया, उसके बाद उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिया और उसने माना कि हाँ एरिया 51 है, लेकिन एरिया 51 में क्या होता है, एलियंस रिसर्च हो रहा है, टाइम ट्रेवल है, इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जो CIA ने पुख्ता तौर पे कहा वो ये कहा कि एरिया 51 में दरअसल अलग अलग तरह के प्लेन्स की टेस्टिंग होती है और इसीलिए लोगों को यहाँ पे रोशनी दिखाई देती है आसमान में, नीली पीली हरी, और वो समझते हैं UFO है, लेकिन वो UFO नहीं है, बल्कि अलग अलग अमेरिका अपने प्लेन की टेस्टिंग करता है और टेस्टिंग के लिए जब ये प्लेन उड़ान भरता है तो लोगों को लगता है कि ये UFO है। और ख़ास तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पास एक प्लेन है U-2, ये जासूसी प्लेन है एक U-2 जो दुश्मन मुल्क में जाकर टोह लेता है कि दुश्मन के यहाँ क्या तैयारी चल रही है, क्या कुछ नहीं चल रही है। तो उनका कहना था कि एरिया 51 में दरअसल शुरुआत जो हुई थी जासूसी की वो इसी CIA के प्लेन U-2 से हुई थी और U-2 को ही जब लोगों ने आसमान में उड़ते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये शायद UFO है। अब U-2 था क्या? तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, सोवियत संघ उस वक्त और अमेरिका दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगातार जासूसी में लगे हुए थे कि दोनों दुश्मन एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या हमला कर सकते हैं, तो कई ऐसे प्लेन थे जिसमें आप जब जासूसी करने जाते थे तो पकड़े हो जाने का डर रहता था, फिर पकड़ने के बाद भेद भी खुल जाता था किस देश से हैं। तो उसी दौरान में टोही विमान खोजने का, मतलब जासूसी जो कर सके विमान, उसकी टेक्नोलॉजी पे काम शुरू हुआ और उसी में U-2 का जन्म हुआ। U-2 का उस अच्छा ये जिस ज़माने में हुआ उस वक्त कहते हैं कि जो कॉमर्शियल फ़्लाइट थी वो भी 20-30,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ाई करती थी उड़ान, जो जंगी जहाज़ थे वो उससे थोड़ा, लेकिन U-2 प्लेन 60,000 फीट ऊपर आसमान में भी उड़ान भर सकती थी और इसलिए दुश्मनों की नज़रों में भी नहीं आती थी और आराम से वो अपना जासूसी करती थी। U-2 को लेकर अमेरिकी एयरफोर्स और CIA में भी लड़ाई हुई थी कि किसके पास रहेगा, आखिर में जीत CIA की हुई थी क्योंकि CIA ने कहा जासूसी उसका काम है। तो U-2 प्लेन की निगरानी करती थी CIA, मदद लेती थी US एयरफोर्स के साथ, ताकि CIA का प्लेन भी जो उनके अपने जो एजेंट होते हैं जासूस वो उड़ाते थे, ताकि अगर पकड़ा भी जाए तो देश का भेद ना खुले और कोई भी देश अपने आप को बचा सके। अमेरिका के पास जो U-2 प्लेन है उससे इसने रूस की काफ़ी जासूसी की और एक बार ये प्लेन जब रूस पहुंचा तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सबसे पहले ये माना कि हाँ एरिया 51 तो है लेकिन वहाँ पे कोई एलियन पर रिसर्च नहीं हो रहा है, टाइम ट्रेवल को लेके कुछ नहीं हो रहा। तो फिर पूछा गया कि क्या हो रहा है, तब CIA ने कहा कि दरअसल वहाँ पे जासूसी प्लेन की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग तरह के प्लेन की ट्रेनिंग सेंटर है एक तरह से वो, और उसी दौरान में एक नाम आया U-2 प्लेन का जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पास थी। और U-2 अब से 50-60 साल पहले से अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ठनी हुई थी, दोनों एक दूसरे के मुल्क की जासूसी करा रहे थे, लेकिन आम प्लेन उस वक्त भी जो उड़ान भरता है वो 20-30,000 के फीट पे ही उस वक्त उड़ता था, जबकि जंगी जहाज़ 30-40, लेकिन U-2 प्लेन की खासियत ये थी कि 60,000 फुट के ऊपर आसमान पे भी ये उड़ता था और इससे दुश्मनों की नज़र में नहीं आता था। तो इसी प्लेन की वहाँ पे ट्रेनिंग और इस प्लेन को बनाने और इसी तरह की चीज़ें जो है वो एरिया 51 में हो रही थी, ये CIA ने क्लेम किया जब एरिया 51 की बात आई। तो लेकिन कहा गया कि फिर ये जो हवाई जहाज़ की जो ट्रेनिंग थी जासूसी प्लेन की वहाँ पे, ये प्रोग्राम करीब 20 साल तक चला एरिया 51 में, 1954 से 74 तक। U-2 तब तक एकदम सीक्रेट था 74 तक, लेकिन फिर बाद में एक बार सोवियत सेना ने U-2 को पकड़ लिया और निशाना बना के मार गिराया। मार गिराने के बाद उसका जो पायलट था उसका नाम था फ्रांसिस गैरी पावर्स, उसको गिरफ्तार कर लिया और इससे U-2 का पूरा भेद खुल गया कि ये प्लेन जासूसी प्लेन तो ही क्या है, एरिया 51 से उड़ता, ये सारी चीज़ें सामने आ गई। 1962 में फिर एक समझौते के तहत अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को, जो बहुत सारे जासूस पकड़े हुए थे, एक समझौते के तहत जासूसों को छोड़ना शुरू कर दिया और उसी में फ्रांसिस को भी सोवियत संघ ने छोड़कर अमेरिका को लौटा दिया। 2015 में एक फिल्म आई थी ब्रिज ऑफ स्पाइस, ये फिल्म जो है इसी U-2 के पायलट जिसको सोवियत संघ ने पकड़ा था फ्रांसिस,
उन्हीं की कहानी के ऊपर बनी थी। तो CIA के हिसाब से यहाँ पे जासूसी विमान का ये ट्रेनिंग सेंटर है एरिया 51। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि U2 का भेद खुल गया और एरिया 51 में इतनी टॉप सीक्रेट जगह पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर एरिया 51 को लेके CIA और अमेरिकी एयरफोर्स ने थोड़ा नए सिरे से प्लानिंग की और इसको और भी ज़्यादा एक तरह से रहस्यमय बना दिया। उससे पहले U2 के पकड़े जाने से पहले एरिया 51 में इतनी सख्ती नहीं थी। बाद में इस पूरे एरिया में कटीले तार लगा दिए गए, बाड़ लगा दिए गए, आम लोगों के घुसने पर रोक लगा दी गई और मतलब ये भी था कि कोई घुसने की कोशिश करेगा तो गोली मार देंगे। और वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ये राज राज रहा। और इसी के बाद ये तरह तरह की अफवाहें उड़ी एलियन से लेके बाकी चीज़ें। हालांकि इस एरिया 51 को और रहस्यमय बनाने में हॉलीवुड की फिल्मों का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। एक फिल्म आई थी इंडिपेंडेंस डे, बहुत ही हिट फिल्म थी, मैंने भी देखी, आप में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी। इसमें भी एक जगह पे इस फिल्म में एक मतलब फिल्म का एक पार्ट था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक जगह है जहाँ पे एलियंस का टेस्ट होता है, उनकी लेबोरेटरी है और UFO देखो जाने की भी अफवाहें कही हैं। तो ये भी एरिया 51 को लेकर थी। तो ये सारी चीज़ें एरिया 51 को लेकर लगातार रहस्य बनी रही, लेकिन कभी भी पुख्ता तौर पे कोई ये नहीं बताया कि आखिर यहाँ पे है क्या। और आज भी यही है तस्वीर कि CIA का कहना है कि यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है और एयरफोर्स का है, इसलिए हम लोग सख्ती बरतते हैं, इसलिए हम लोग इसको राज रखते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेन्स के अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च होता है तो उसको गुप्त रखा जाता है। एलियंस और एलियंस की टेस्टिंग की बात को वो साफ इनकार करते हैं कि यहाँ किसी एलियन को रखा गया है, यहाँ एलियन पर रिसर्च होता है, ये सारी चीज़ों को लगातार मना किया गया। लेकिन दुनिया इन बातों पर कम बिलीव करती है। खैर, ये सारी चीज़ें चलती रही। अब इसके बाद अचानक एक और ख़बर आती है। अब वो ख़बर ज़्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि ये ख़बर कहीं ना कहीं एरिया 51 से जुड़ी हुई कहानियों की तरफ इशारा करती है। और ख़बर एक ऐसे शख्स के ज़रिए आई जिसके बारे में ये कि वो बेतुकी बातें करे थोड़ा सा सोचना मुश्किल है, क्योंकि इसराइल के एक्स इंटरनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के हेड जो थे और जो अंतरिक्ष के पूरे 2011 में वो रिटायर होते हैं इसराइल में और उसके हेड थे, मतलब पूरे इसराइल के अंतरिक्ष प्रोग्रामिंग के हेड, उनका नाम था हैम इशोद। हैम इशोद ने इसराइल के एक न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया रिटायरमेंट के करीब 8 साल बाद 2019 में, और उस वक्त उनकी उम्र अच्छी खासी हो गई। उस इंटरव्यू में जो कुछ कहा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, एरिया 51 का जिक्र नहीं किया लेकिन एलियंस का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट जो जाने वाले हैं अगले साल डोनाल्ड ट्रंप, वो एलियंस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और बल्कि वो एलियंस के बारे में कुछ ऐलान करने वाले थे, पर ऐन वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप रुक गए और उन्होंने एलियंस के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके लिए क्योंकि शायद अभी इंसान इस बारे में पूरी तरह समझदार और तैयार नहीं है वो सच्चाई जानने के लिए। ये हैम इशोद ने एक इंटरव्यू में दावा किया और उसके दावे में पूरी और उन्होंने क्या चीज़ें कही वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 30 साल तक इसराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम के हेड थे हैम इशोद, तो अगर 30 ईयर्स तक वो इसराइल के स्पेस प्रोग्राम के हेड हैं तो उनकी बातों को सीरियसली मतलब ना लेने की कोई वजह नहीं है। तो उनका ये कहना है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया जो अमेरिका के साथ इसराइल ने मिलकर बनाया और ये एक गुप्त समझौता था। इस समझौते के तहत मंगल ग्रह पर ज़मीन के अंदर एक तरह का ख़ास बेस एक अड्डा चल रहा है और उनके हिसाब से वहाँ पे एलियंस के साथ इंसान टच में, जो स्पेस में है वो भी इंसान टच में। उन्होंने जो इसराइली न्यूज़पेपर है ये बाकायदा येदिओत अहरोनोत उससे पूरा इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि
जो एलियंस हैं दूसरे ग्रह के, उनके साथ अमेरिकी खुफिया एजेंट और इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार संपर्क में हैं, और इसराइल के भी एक्सपर्ट्स संपर्क में हैं। और एलियन के साथ इंसानों ने एक समझौता किया, मतलब दो देश के लोगों ने, एक अमेरिका और एक इसराइल। और ये समझौता इसलिए हुआ कि जो एलियंस हैं जो मंगल पे हैं और बाकी ग्रहों पे हैं, वो ब्रह्मांड के पूरे सिस्टम को समझना चाहते हैं, यहाँ पे इंसान कैसे है, ज़िंदगी कैसे है, क्या कुछ है। और बदले में समझौता ये है कि हम आप एलियन के बारे में समझना चाहते हैं। तो इन दोनों के बारे में उनका तो ये भी है, आपको सोच मतलब हंसने की बात नहीं है, लेकिन पूरे इंटरव्यू में यह है कि बाकायदा समझौते के दस्तखत हुए दोनों तरफ से, इसराइल और अमेरिका के बीच में तो ये जानकारी है ही है, एलियंस के साथ इनके दस्तखत हुए बाकायदा कि इस पूरे समझौते पे कि हम आपकी दुनिया के बारे में आप हमें बता, हमारी दुनिया के बारे में हम आपको बताएंगे। उन्होंने इसी तभी कहा था कि जब ये समझौता हो गया, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार एलियंस की मौजूदगी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले थे और उसमें ऐलान करने वाले थे एलियंस की मौजूदगी और उनकी सच्चाई के बारे में, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने ही उन्हें रोक दिया कि अभी आप इसका ऐलान न करें, पहले इंतज़ार करने के लिए कहा कि ये दुनिया और इंसान ये लोग थोड़े उस लायक हो जाएं कि समझ सकें, कहीं पैनिक ना हो जाए, बाकी सारी चीज़ें ना हो जाए, तो इसलिए अभी आप इसको गुप्त रखिए और मत बताइए। ये उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में दावा किया। हालांकि उन्होंने अपने साथ में हैमिशोद ने यह भी कहा है कि ये बात, अच्छा वो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में अलग अलग पढ़ा चुके हैं, लेक्चर दे चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। उन्होंने कहा कि शायद अभी ये बात मैं कहूँ बहुत सारे लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि ये एक ऐसा समझौता हुआ है एलियंस और अमेरिका और इसराइल के लोगों को इस बारे में जानकारी पूरी है। उन्होंने जो आगे लिखा है वो ये लिखा है कि अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच समझौता हुआ है, एलियंस ने यहाँ पर परीक्षण करने के लिए हमारे साथ एक समझौते पर दस्तखत किया है, वो भी पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने पर शोध कर रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इस काम में उनकी मदद करें। मंगल ग्रह की गहराइयों में एलियंस का एक अड्डा है, वहाँ पर एलियंस के प्रतिनिधि और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। जो पूर्व इजरायली सुरक्षा चीफ, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अभी नहीं, देर सवेर कभी ना कभी इस बात का खुलासा दुनिया के सामने हो जाएगा, और उसके बाद लोग उनकी बात को मानेंगे। उनका कहना है कि यूएफओ को लेकर या एलियंस को लेकर जितनी भी चीज़ें या बातें जो हो रही हैं वो झूठ नहीं है, लेकिन एरिया 51 के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो एक इजरायली एक्सपर्ट्स जो अंतरिक्ष का, उसका एक दावा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान तक करने वाले थे, दूसरी तरफ यूएफओ का एक क्रैश होना, एरिया 51 में गिरना, वहाँ पे एक एलियंस के ऊपर रिसर्च और शोध करना, टाइम ट्रेवल के ऊपर वहाँ पे रिसर्च करना, ये सारी बातें, और यही सारी बातों ने मिलाकर एरिया 51 को दुनिया का सबसे रहस्यमय इलाका बना, हालांकि बहुत ही छोटा 3.7 किलोमीटर का कुल दायरा है ये, लेकिन सबसे रहस्यमय बना रखा है और आज भी रहस्यमय है। लेकिन एक चीज़ इससे एक साफ होती है, जब 2013 में CIA ने इस बारे में पहली बार कहा कि एरिया 51 है, एग्जिस्ट करता है, तो वो जो कहानियाँ नॉवेल किस्से होते थे सिर्फ, उनको एक सबूत मिला कि हाँ एरिया 51 नाम की एक चीज़ है जो रहस्यमयी है, लेकिन उस एरिया के अंदर होता क्या है ये तभी पता चल सकता है जब उस एरिया के अंदर का कोई शख्स बाहर आकर बताए या अमेरिकी सरकार इस बारे में कुछ खुलासा करे। तो ये थी एरिया 51 की पूरी कहानी, और आखिर में चलते चलते फिर आपसे कहूँगा, सैटरडे शाम 7 बजे और संडे दोपहर 3 बजे हर हफ्ते 2 नए एपिसोड क्राइम सीन रीविजिट, वो चर्चित जुर्म की कहानियाँ, खबरें, क्राइम इंसिडेंट जिन्होंने देश को चौंकाया, दहलाया, उनको सालों बीत गए, अब बरसों बाद क्राइम सीन की तस्वीर अब क्या है, पहले कैसी थी अब कैसी दिखती है, ये आपको दिखाएंगे इसी सैटरडे और संडे, सैटरडे शाम 7 बजे, संडे दोपहर 3 बजे, तंसीम हैदर लेकर आएंगे इस प्रोग्राम को, तो देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। कहानी में आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।